में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है थर्ड जुलाई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम एशियन पेंट के स्टॉक को टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालाइज करेंगे सबसे पहले फंडामेंटली ओवरव्यू जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.55 परसेंट का फॉल हमें देखने को मिला बट अगर हम वन ईयर का रिटर्न देखेंगे तो सेवेंटी सेवेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी टू परसेंट का रिटर्न देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक ने स्टेडी एंड स्लोली 200 परसेंट का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया हुआ है जैसे कि आप सभी जानते हैं एशियन पेंट लार्ज कैप का एंड लो रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है अगर हम एक्सपर्ट एनालिस्ट एनालिसिस्ट की बात सुनेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग उनके सजेशन 42 परसेंट इन्वेस्टर्स अभी भी इस स्टॉक को बाय एंड होल्ड करने में उनका प्रेफरेंस हमें देखने को मिल रहा है यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम यहां पर चेक करेंगे तो ईयर बाय ईयर जो कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वो अच्छा खासा इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे 2020-2021 तो यहाँ पर रेवेन्यू में 7.19 परसेंट का एंड प्रॉफिट में 16.05 परसेंट का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है एशियन पेंट के रिसेंट जो क्वार्टरली रिज़ल्ट उनके ऊपर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर 2020 के जो रिज़ल्ट उनसे कई अच्छा परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा हमें ग्रोथ इस क्वार्टर में जो प्रेजेंट क्वार्टर है 2020 उनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब चलते हैं हम चार्ट की ओर चार्ट में बहुत कुछ बताने लायक नहीं है क्योंकि एशियन पेंट निफ्टी फिफ्टी का एक बुल स्टॉक है जिसमें जब भी ये करेक्शन देता है तो उस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये एशियन पेंट का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी ये थ्री थाउजेंड फाइव के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप टू थाउजेंड ट्वेल्व या टू थाउजेंड या टू थाउजेंड सेवेंटीन से भी चार्ट को देखेंगे तो 2017 में यहाँ पर एक करेक्शन आया था जब आप इसे अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते थे एक लमसम क्वांटिटी को और होल्ड कर सकते ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो अब किसी भी ईयर्स में अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया होता तो लगभग अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलता उसके बाद 2018 में एक करेक्शन देखने को मिला उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2020 में भी एक करेक्शन देखने को और रिसेंटली एक करेक्शन हुआ था जो कि प्राइस टू से करेक्ट होकर नीचे आया और इस डिमांड जोन को हमने ट्रेड करने के लिए डिसाइड किया था बट प्राइस इस वीकली डिमांड जोन में आने की बजाय इसी ट्रेंड लाइन के पास आके यहीं से रिवर्सल पैटर्न हुआ और प्राइस आज की डेट में 3005 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मींस डेली चार्ट पे मैं आपको बता दूं एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप किसी भी टाइम फ्रेम में जब भी आपको एस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हो क्योंकि ओवर द पीरियड जब भी आप इसे पलट कर देखेंगे एक या दो साल के बाद तो आपने जिस प्राइस पे बाय किया है उसके ऊपर ही ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो